नमस्कार। कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज में मैं नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है ग्राफिक्स का, कंप्यूटर ग्राफिक्स का, वो है फ्लड फिलिंग एल्गोरिथम। तो फ्लड फिलिंग एल्गोरिथम्स को सी के प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम कैसे पता करेंगे कि कैसे करके फिल होता है, उसके लिए प्रोग्राम क्या होगा, वो चीज़ों को हम देखेंगे। तो जैसे आपने देखा है कि यहाँ जो ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, फ्लड फिलिंग प्रोग्राम टू फिल द सिंगल और मल्टीपल कलर। सिंगल और मल्टीपल कलर का मतलब होता है कि इसमें जो क्लोज एरिया है, जो बाउंड्री है, सिंगल और मल्टीपल कलर बाउंड्री, मैं आपको बता दे रहा हूँ बाउंड्री, ठीक है। तो ये जो सिंगल और मल्टीपल कलर बाउंड्री इसमें अलाउ है, जो कि क्लोज एरिया को क्रिएट करता है। तो ये जो होता है सीट फिलिंग यानी बाउंड्री फिलिंग एल्गोरिथम से ये डिफरेंस रखता है कि बाउंड्री फिलिंग एल्गोरिथम में सिंगल कलर का बाउंड्री होता है, बट इसमें फ्लड फिलिंग एल्गोरिथम में आप जो भी क्लोज्ड एरिया है उसका जो भी बाउंड्री होता है वो मल्टी कलर भी हो सकता है या फिर सिंगल कलर भी हो सकता है। तो इसीलिए ये इसका एक एडवांटेजेस है कि दोनों के लिए काम करता है। तो फ्लड फिलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है और साथ ही साथ दूसरे वीडियो लिंक्स आपको जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है उसको आप क्लिक करके उनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, तो ही आपको ये प्रोग्रामिंग आपको अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं तो फिर ऊपर दिए हुए आइकॉन्स में आप क्लिक करके भी इससे आप आगे बढ़ सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपको। तो अब आ जाते हैं कि जो हमारा बाउंड्री फिल या फ्लड फिल एल्गोरिथम है उसको पहले चेक कर लेते हैं, पूरे प्रोग्राम्स को एक बार देख लेते हैं, मैं समझा दूंगा एक बार और उसके बाद मैं इसको रन करके आपको दिखाऊंगा। तो ये है ग्राफिक्स डॉट एच को हमने इंक्लूड किया है, कोनी डॉट एच को इंक्लूड किया है, फंक्शन हमने फ्लड फिल लिया है, इसमें चार पैरामीटर है। फर्स्ट टू पैरामीटर जो होता है जो पिक्सल पोजिशन है उसके लिए होता है, और नेक्स्ट पैरामीटर जो होता है फिलिंग कलर के लिए यानी किस कलर से हमको फिल करना है, और ये कंडीशन है। जैसे कि बाउंड्री फिल में ये कंडीशन था बाउंड्री कलर, तो यहाँ पे जो ये कंडीशन है वो सरफेस कलर है। तो बाउंड्री फिल और बाउंड्री जो अपना फ्लड फिल एल्गोरिथम है ये जो होता है सरफेस कलर पे काम करता है, यानी जो सरफेस में हम पेंट करना शुरू कर रहे हैं उस सरफेस के कलर को लेके वो आगे बढ़ता है, जहाँ तक उसको वो कलर का सरफेस मिलेगा उसको पेंट करते जाएगा, बाउंड्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही सरफेस खत्म हो जाएगा यानी समझ लेगा कि डिफरेंट बाउंड्री आ गया उसका, तो जैसे ही डिफरेंट बाउंड्री आ गया इसका मतलब सरफेस खत्म हो गया, तो उसके हिसाब से वो अपने आप को रोक देगा, फिल करना बंद कर देगा। ये हो गया ग्राफिक्स ड्राइवर को डिटेक्ट करना। सीट पॉइंट जो होता है उसका वेरिएबल हमने ले लिया, इनिट ग्राफ से हमने इनिशियलाइज कर दिया, क्लियर डिवाइस से पूरे स्क्रीन को क्लियर कर दिया हमने, जो सीट पॉइंट है उसका पोजीशन हमने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा, सबसे पहला तो मैं आपको बता रहा हूँ ट्राइंगल से फिल करना, यानी ट्राइंगल को फिल करूंगा उसके बाद सर्कल को फिल करके आपको दिखाऊंगा। तो देखिए ट्राइंगल को फिल करने के लिए यहाँ पे मैं सिंगल कलर का भी ट्राइंगल बना सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे मल्टी कलर का ट्राइंगल बना रहा हूँ। तो हर बार जब आप नए कलर को यूज़ करना चाहते हैं तो सेट कलर को बार बार आपको मेंशन करना पड़ता है। जैसे अगर मैं इसको अभी मेंशन कर दिया और आगे अगर मैं कोई मेंशन नहीं करूँगा तो थ्रू आउट दिस नेक्स्ट जो भी मैं स्टेटमेंट यूज़ करूँगा वो येलो कलर में ही ड्रॉ होगा, तो इसीलिए हर बार हमको चेंज करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट वाइट कलर होता है, जैसे ही आपने उसको चेंज किया तो उसको फिर चेंज करते रहना पड़ता है। जैसे सेट कलर ग्रीन करूंगा तभी येलो से वो ग्रीन से सेट होगा, और उसके बाद फिर जो भी नेक्स्ट लाइन या जो भी नेक्स्ट फिगर ड्रॉ होगा वो नेक्स्ट कलर से ड्रॉ होगा। उसके बाद जो होता है इस तरह से मैं ट्राइंगल के लिए मेजर कर लिया, आप कोई भी ट्राइंगल बना सकते हैं। तो खास बात ये यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, आप किसी भी पोजीशन में ट्राइंगल बनाइए लेकिन उसका एक इनसाइड पॉइंट आपका फिक्स होना चाहिए। तो वही इनसाइड पॉइंट जो मैंने एक्स एंड वाई में लिया है वो आपका सीट पॉइंट है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर मैंने जो यहाँ फिगर बनाया है अगर आपका फिगर थोड़ा डिफरेंट बनाना चाहते हो, पोजीशन को चेंज करके बनाना चाहते हो, तो फिर उस हिसाब से आप एक्स एंड वाई की वैल्यू को भी इंटीरियर पॉइंट लेना है, तो उस हिसाब से उसका वैल्यू भी आप सेट कर लेंगे, नहीं तो फिर वो फ्लड हो जाएगा यानी पूरे स्क्रीन में फैल जाएगा और आपका काम नहीं करेगा। और सेकेंड थिंग, मैं यहाँ पर रिकर्सिव प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूँ, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपका फिगर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैक का यूज़ करता है जो कि मेमोरी लोकेशन को कैप्चर करता है। तो बड़े फिगर में क्या होगा कि एक समय के बाद वो हैंग हो जाएगा, और हैंग होने की वजह से जो होता है वो फिर से वापस आपको रिस्टार्ट करके फिर से देखना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा आइडिया है कि मैंने जो साइज़ दिया है उसी साइज़ का फिगर बना के आप पोजिशन भले ही बदल दीजिए ऑब्जेक्ट का,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइट जो आपका जो साइज़ है वो छोटा रख के आप काम करेंगे। तो फ्लड फिल एल्गोरिथम में जैसे मैंने बता रहा हूँ कि मुझे फिल जो करना है ग्रीन कलर से फिल करना है, तीन मेरे जो बाउंड्री कलर है वो तीन है, एक वाइट बाय डिफॉल्ट पहला लाइन जो था वाइट से ड्रॉ होगा, दूसरा येलो से, तीसरा ग्रीन से, और उसके बाद जो मेरा सरफेस है वो ब्लैक कलर का है क्योंकि मैं ब्लैक कलर में पेंट कर रहा हूँ। आप चाहे तो जो सरफेस आप यूज़ करेंगे वो कलर आप मेंशन करेंगे। तो एक तरीके से मैं सरफेस को पेंट कर रहा हूँ, कहाँ तक पेंट करना है, जहाँ तक मुझे उस सरफेस का कलर जैसे जो मुझे प्रोवाइड किया गया है उतने सरफेस को मैं करूँगा, जैसे ही मेरे जो डिफरेंट सरफेस मिलेगा वहाँ मैं पेंट नहीं करूँगा। तो वही चीज़ कंसेप्ट को लेकर यहाँ पे चला गया है। अब आ जाते हैं फ्लड फिल में। तो फ्लड फिल में एक फिल कलर हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो था एक इंटीरियर कलर हो गया। इंटीरियर मतलब जो सरफेस कलर हम बात कर रहे हैं, एक हम कलर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ताकि हम जहाँ पे पेंट करना चाहते हैं, जिस पिक्सल को पेंट करना चाहते हैं, पहले उसके कलर को हम पता करेंगे कि उसका कलर क्या है। अगर वो पहले से फिल है तो फिर हम उसको पेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिकर्सिव प्रोसेस है, हर बार जब हम नेक्स्ट पिक्सल में जाते हैं तो उसके चारों डायरेक्शन पे हम देखते हैं पहले, ठीक है, ऐसे हर बार जब जाते हैं चारों डायरेक्शन को देखते हैं। तो हो सकता है कि एक डायरेक्शन ऑलरेडी मैंने फिल कर दिया है, उसके बाद जो होता है नेक्स्ट डायरेक्शन में करना है। इसके लिए पूरा एल्गोरिथम में दिया गया है, आप उस पर्टिकुलर वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो कलर मैंने गेट किया है पिक्सल कलर, उसको मैं पता करता हूँ कि क्या वह सरफेस कलर है क्या, यानी जो मैं ब्लैक कलर का सरफेस ले रहा हूँ क्या वो ब्लैक है क्या। अगर ब्लैक है तो मेरे को पेंट करना है, पहला कंडीशन ये हो गया। साथ ही साथ दूसरा कंडीशन भी साथ ही साथ सेटिस्फाइड होना चाहिए कि ये बोल रहा है कि जो इंटीरियर कलर है, यानी मैंने जो इंटीरियर कलर आपको मेंशन किया था वो आपका जो होता है ये इंटीरियर कलर नहीं होगा, ये कलर होगा। जो मैंने आपको कलर लिया है वो कलर जो होता है फिल कलर के नॉट इक्वल टू होना चाहिए, यानी अगर मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है तो उस कलर को आप फिर से फिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी उस फील्ड एरिया को फिल करते रहेंगे तो आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम बहुत बढ़ जाएगा। तो आप यही चाहेंगे कि जो मैंने फिल कर दिया है मैं भले ही उसमें विजिट करूं बट उसको पहले चेक कर लूं कि वो फिल है या नहीं है, अगर नहीं है तो मैं फिल करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर जो होता है नेक्स्ट जो होता है रिकर्सिव कॉल होगा, रिकर्सिव प्रोसेस जो होता है इसमें कॉल होगा। फिर उसके बाद जैसे ही मैं इसके अंदर आता हूं तो पुट पिक्सल होगा, डिले मैंने एनिमेशन के लिए लगाया है। उसके बाद देखिए चार डायरेक्शन के लिए मैं रिकर्सिव कॉल कर रहा हूं, यानी लेफ्ट के लिए यानी एक राइट के लिए हो गया, एक लेफ्ट के लिए हो गया एक्स माइनस वन, तो वाई माइनस वन जो होता है ऊपर के लिए हो गया, और नीचे जाने के लिए होता है बॉटम के डायरेक्शन पे जाने के लिए y प्लस वन। इसके सीक्वेंस को आप जैसे बदलेंगे एनिमेशन में आपको वही इफेक्ट दिखेगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू द ये राइट लेफ्ट चल रहा है, देखिए राइट, क्योंकि मैंने रिकर्सिव में पहले राइट रखा है, फिर लेफ्ट रखा, फिर बॉटम रखा, फिर टॉप रखा, तो ये इस तरह से फिल हो रहा है। देखिए आपका फिलिंग हो रहा पूरा, ये हो गया, तो आपको ये चीज समझ में आ गया। चलिए मैं इसके सीक्वेंस को चेंज करके आपको दिखाता हूँ, सीक्वेंस चेंज करके दिखाता हूँ। मतलब जैसे मैं पहले राइट से मूव किया था, मैं इसको चलता हूँ शिफ्ट डिलीट सेलेक्ट करने के बाद, शिफ्ट डिलीट करके इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वाई से इस लाइन को मैंने डिलीट कर दिया। अब पहले सेव करूंगा फिर इसको रन करूंगा, तो देखिए ये लेफ्ट से लेके चालू होगा फिर उसके बाद फिल करेगा। मैं आपको अलग अलग से फिलिंग, देखिए अब ये लेफ्ट से चालू किया और इस तरह से ये फिल हो रहा है, फिल होते हुए जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा पहले अपर वाला पोर्शन फिल होगा फिर बॉटम वाला पोर्शन फिल होगा, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि साइज जो होता है छोटा रहना चाहिए तभी ये काम अच्छे से करेगा, नहीं तो हैंग होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ जैसे मैंने लिखा ये, अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको शिफ्ट सेलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद इसको कंट्रोल वाई से हटा देता हूँ, फिर एक लाइन यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया है। तो ये अपर वाला, अब देखिए अपर पार्ट पहले होगा फिर लोअर पार्ट होगा, चलिए देख लेते हैं। सॉरी ये आपको थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, मैं आपको चेक करके बताता हूँ क्या होगा, एक बार रन होने जा दिए, रन होने देते हैं इसको, ओके फाइन। ओह ये अपर पार्ट, यानी ये पहले नीचे वाला ही पार्ट होगा उसके बाद ऊपर वाला पार्ट जाएगा, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, चलिए आप चेक करके देखता हूं मैं। तो ये जो रहा है एक्चुअली जो मैं आपको बताया है एक्चुअली ये वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन वर्क होता है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिल हो रहा है
मैं आपको बाद में बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम्स था। बाकी इसमें जो हमने लिया है उस हिसाब से ये पहले ऊपर वाले पार्ट को फिल करना चाहिए, फिर नीचे वाले पार्ट को फिल करना। तो ये सीक्वेंस करने से, चलिए हमारा कॉन्सेंट्रेशन इस पर नहीं है, ये तो होते रहेगा। ये अब सर्कल को मैं कर रहा हूँ और इसको मैं हाइट कर दे रहा हूँ। इसको अगर मैं हाइट करता हूँ तो देखिए ये मैं हाइट कर देता हूँ, और हाइट करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने से ये सर्कुलर एरिया को फिल करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको इसका इफेक्ट दिख रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। उसमें एक प्रॉब्लम था क्योंकि वो ट्रायंगुलर सरफेस में एज से होते हुए नीचे तरफ ही चले जा रहा था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आपको उसका इफेक्ट दिख रहा है, अपर एरिया में जा रहा है और लोअर एरिया में जा रहा है। तो चलिए अब ये हो गया। अब मैं चाहूँगा कि मैं लाइन को भी ड्रॉ कर देता हूँ, यानी ट्राइंगल को भी ड्रॉ करता हूँ। चलिए देखते हैं क्या होता है, चेक करके देखेंगे। ये हो गया, अब मैं इसको रन करता हूँ। सो देखिए क्या होगा, यानी ये सिर्फ उस एरिया को फिल कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस एरिया को फिल कर रहा है, मल्टीपल कलर बाउंड्री भले ही है लेकिन सिर्फ उस एरिया को उसने फिल किया जो जहां हमने सीट पॉइंट दिया और उसके चारों ओर क्लोज्ड एरिया। तो कुछ सर्कल के एरिया मिले उसको, कुछ ट्राइंगल के एरिया मिले और बाकी एरिया को उसने फिल नहीं किया। तो एक नया चीज मैंने आपको बताया कि मैं अगर दोनों फिगर को ले रहा हूँ, सीट पॉइंट मैंने ऐसे लिया है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। इस तरह से जो फिल, जो छोटे छोटे फिल एरिया है, अगर आप वहाँ का कोई सीट पॉइंट लेते हैं तो सिर्फ पर्टिकुलर उस एरिया को फिल करता है, बाकी एरिया को खाली छोड़ देता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया दोस्तों कि किस तरह से हम फ्लड फिल के थ्रू किसी भी क्लोज्ड एरिया को जो कि मल्टीपल कलर बाउंड्री से बना हुआ है उसको हम फिल कर सकते हैं। क्लोज्ड एरिया कैन बी कोई भी कर्व्ड एरिया हो सकता है, कोई भी सर्कुलर एरिया हो सकता है, कोई भी पॉलीगॉन एरिया हो सकता है, चाहे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोई भी ऐसे एरिया। मैंने क्लोज्ड एरिया का मतलब एनी काइंड ऑफ शेप का एरिया, चाहे वो कोई भी कलर बाउंड्री में, कोई भी कलर में हो, या सिंगल कलर में हो, मल्टीपल कलर में हो, ये काम करता है। तो इसलिए ये फ्लड फिल एल्गोरिथम जो होता है मैक्सिमम जो ग्राफिक्स पैकेज में है उसमें यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, प्रैक्टिकल अप्रोच अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।